छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी में अब 2-3 दिन ही शेष बचे हैं और ऐसे में एक और जहां धान के तस्कर अवैध रूप से धान जमा करने में और अवैध परिवहन कर धान को किसान के पट्टे पर खपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की टीम भी लगातार निगरानी करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में SDM ओंकारेश्वर सिंह ने लगातार मिल रही शिकायतों पर ग्राम छुईपाली में अमन ट्रेडर्स के गोदाम में जांच करते हुए वहां रखे लगभग 1000 पैकेट धान को संदेहजनक पाते हुए गोदाम को सील कर मामले की जांच के लिए मंडी अधिकारी को सौंपा है। इसके साथ ही जोगनीपाली में संचालित हरिप्रिया राइस मिल में भौतिक सत्यापन में 212 पैकेट धान अधिक पाए जाने पर धान की जब्ती कर कार्रवाई की गई। वहीं मंडी सचिव ने बताया कि तस्कर और दलाल धान की तस्करी कर समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन पर मंडी और राजस्व विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है और ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सरायपाली से संवाददाता संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। समर्थन मूल्य की खरीदी 2-3 दिन से बचे हुए हैं और इसी क्रम में कोचिया दलालों द्वारा बहुत ही मात्रा में काम किया जा रहा है ऐसा लगता है। और हमारे द्वारा माननीय स्वयं अनुभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देशानुसार लगातार जांच की जा रही है, दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में संदेहास्पद मानते हुए अमन ट्रेडर्स छुईपाली का उसका गोदाम था जिसमें लगभग 1000 पैकेट पाए गए, जिसके अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा संदेहास्पद बताते हुए उसके गोदाम को सील किया गया है।